उस समय उठ जाते 3-4 बजे, और न उठे थे सासू उठा देती थी, उठ जा है कैसो कलयुग आएगा हमारे घर में। बातें करती रहें, टीवी देखती रहें, सीरियल देखती रहें, और सवेरे होके कहते मुंह ढक के सो जाए। बहुत इंटेलिजेंट हो गई, भगवान सद्बुद्धि दे सबको, जिससे बहुएं बेटे आपसे सीखें। श्रवण किसका करना चाहिए, किसका त्याग कर देना चाहिए। अब भजन है तो भयानक कहां से होगा, और भजन तूफानी कैसा होगा, मतलब वो हवा में उड़ के भाग गया। जो करने योग्य नहीं है वो मत करो, जो खाने योग्य नहीं है वो मत खाओ। पहले हीरोइन साड़ी में हुआ करती थी, आजकल की हीरोइन क्या कहें, क्या ये देखने योग्य है। किसका सर है, संग का सर है। भगवान की चर्चा और भगवान का भजन न हो, भगवान की कथा न हो। अब देखो हम ब्रजवासी एक दो शब्द ऐसे बोल दे तो इसको माइंड मत करना, अब ब्रज की कुछ तो देनी पड़ेगी ना आपको, ब्रज की कुछ बातें नहीं बताएंगे तो कैसे। आजकल बहुएं लेट उठती हैं, बेटे भी लेट उठते हैं, और माताजी जल्दी उठ जाती हैं, तो माताजी को बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि माताजी के समय में पहले लोग जल्दी, मतलब मेरी माताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी अपनी माताजी की समझो। अब उस समय उठ जाते 3-4 बजे, और न उठे थे सासू उठा देती थी, उठ जा दुनिया उठ गई है कैसो कलयुग आएगा हमारे घर में, ऐसे करके उठा देती। अब वो माताजी देखती हैं कि बहुएं सो रही हैं 7-7-8 बजे तक, तो वो अखरता है, उनको अपना बहू बनने वाला समय टाइम याद आता है। लेकिन नहीं, आजकल फिर भी सब एडजस्ट कर लेती हैं, आजकल की माताएं सासू माँ बहुत अच्छी हैं, स्वीट, खुद भी लेट ही सोती रहती हैं, समिया रात कह तो बातें करती रहें, टीवी देखती रहें, सीरियल देखती रहें, और सवेरे होके कह तो मुंह ढक के सो जाए। सासू माँ भी कम नहीं रही हैं, अब बहुत इंटेलिजेंट हो गई, भगवान सद्बुद्धि दे सबको। सोने के लिए रात बनाइए, दिन नहीं, इसलिए रात में सो दिन में जगो। और सासू को ससुर को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे बहुएं बेटे आपसे सीखें, यही नियम है गृहस्थ चलाने का। भजन किसका करें, सुने किसको, क्या सुनना चाहिए, श्रवण किसका करना चाहिए, स्मरण किसका करना चाहिए, किसका त्याग कर देना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान हम पूरे जीवन भर करके चलें तो हमसे कभी अमंगल नहीं होगा। दर्शन किसका करें, देखें किसको, सुने किसको, बोलें क्या, देखें क्या, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और आज हम लोग गलती कहां करते हैं, इन चीजों का ध्यान ही नहीं करते, नहीं करते। जो YouTube देख रहे हैं, देखते देखते कुछ भी आ गया, और आजकल तो इतनी भयानक, पहले नहीं हाईवे पे और रोड्स पे इन पे मिलती थी भयानक ठंडी बियर की दुकान है? आजकल तो YouTube चैनल वाले ऐसी ऐसी हेडलाइंस डालते हैं, जो वीडियो बनाते हैं भयानक भजन, तूफानी भजन। अब भजन है तो भयानक कहां से होगा। अच्छा, सब लोगों को लगता है ये बयाड़ा भयानक होगा, ये पहले सुनो। अब भजन भयानक कैसे होगा, और भजन तूफानी कैसा होगा, मतलब वो हवा में उड़ के भाग गया। तो भाई तूफानी क्यों सुन रहे हो, धीरे धीरे चलो। क्या सुने, क्या देखें, क्या बोलें, क्या करें, इन चीजों पे ध्यान अगर मनुष्य रखे तो कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। जो करने योग्य नहीं है वो मत करो, जो खाने योग्य नहीं है वो मत खाओ, जो देखने योग्य नहीं है वो मत, अब ये फिल्में विल्में जो आती है ये मत देखा करो, ये देखने योग्य नहीं रही है, ये तो पहले से कभी भी नहीं थी, आजकल तो और भी खतरनाक आने लग गई। पहले हीरोइन साड़ी में हुआ करती थी, आजकल की हीरोइन क्या कहें, आजकल वही हीरो बढ़िया बड़ा हीरो है जो टी शर्ट उतार दे अपनी। अब इन लोगों को देखकर तुम्हारे और हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, जरा बताओ, समाज क्या सीखेगा बताओ, क्या ये देखने योग्य है, जवाब दो। कथा में बैठे हुए कहेंगे नहीं,
और कॉलेज जाने वाले कहेंगे हाँ, किसका फर्क है? हैं तो वो भी सनातनी जो कह रहे हैं हाँ। वो हाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संघ का असर है। आप भागवत में बैठे हो तो कह रहे हो ना, और वो सत्संग से दूर हैं, वो एक गलत संघ में पड़े हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं हाँ। किसका असर है? संघ का असर है। इसलिए आप सबको सावधान रहना चाहिए। अगर भगवान से मिलने का टारगेट है तो जो देखने योग्य नहीं है वो मत देखो, सुनने योग्य नहीं है वो मत सुनो। कोई जाने योग्य प्लेस नहीं है, मदिरालय में जाने की क्या जरूरत है, मूवी थिएटर में जाने की क्या जरूरत है, और भी जो दो चार जगह बुरी है वहां जाने की क्या जरूरत है। हमारे ब्रज में तो ऐसे कहते हैं, जहां भगवान की चर्चा और भगवान का भजन ना हो, भगवान की कथा ना हो, वहां जाके मिलेगा क्या?